आज के इस वीडियो में हम कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने जाना है कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या है और वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है विद नोट्स एग्जांपल्स केस लॉज। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले उन वीडियोस को जाकर के देख लो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो देखो, जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली क्रिएट होता है जस्ट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इमीडिएटली क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट ये डिपेंड करता है अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। क्लियर? ओके, अब देखो वेस्टेड इंटरेस्ट कंप्लीट और परफेक्ट टाइटल होल्ड करता है इमीडिएटली, यानी जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पास आती है उसके पास परफेक्ट टाइटल और कंप्लीट टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी आता है, राइट। लेकिन जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट होता है इसमें जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो इमीडिएटली और कंप्लीटली नहीं आता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। क्लियर? तीसरा क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट विच मे बी क्रिएटेड इन प्रेजेंट फॉर प्रेजेंट बेनिफिट और इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर बेनिफिट। यहां पे कह रहा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इसमें जो कंडीशन इंपोज किया जाता है ट्रांसफर के द्वारा वो स्पेसिफाइड सर्टेन कंडीशन होता है, जो कि प्रेजेंट में क्रिएट किया जा सकता है प्रेजेंट बेनिफिट के लिए, यानी इमीडिएट एंजॉयमेंट आप इस प्रॉपर्टी का ले सकते हो, या इसे प्रेजेंट में क्रिएट किया जा सकता है फ्यूचर बेनिफिट के लिए, राइट। जबकि आप देखो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इट इज टोटली बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट। क्लियर? सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद वेस्टेड इंटरेस्ट, वेयर एज सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। लास्ट क्या है? इफ ट्रांसफरी विद वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी ऐसा ट्रांसफरी जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में, तो वो उसके मरने के बाद भी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हायर्स को चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट में जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर होता है ट्रांसफरी के पास विदाउट एनी फर्दर कंडीशन और क्लॉज। यहां पे क्या है कि जो ट्रांसफरी है जिसका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस प्रॉपर्टी में, वो अपने लीगल हायर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती है अपने मरने के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। आई होप कि अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। With this hope, thank you so much. Have a bright future.